जब फ्रेंड बनाते हैं तो हम इसमें इस तरह से पार्ट लेते हैं, 1 2 3, हाथ को थोड़ा सा आपने इस तरफ रखना है, उससे पफ बनेगा बड़ा मजे का, ऐसे एक फिंगर का लो गैप ऐसे करके, इसको चेक कर लिया कि दोनों बराबर हो गए, ऐसे फिर थोड़ा सा करीब करके। अच्छा, बहुत बारीक भी नहीं बनाऊंगी, बहुत मोटा भी नहीं बनाऊंगी, मतलब पार्ट में अपने नॉर्मल रखूंगी। यहाँ से वहां तक का पूरा पार्ट उठा रहे जी, पूरे पूरे पार्ट पे काम करेंगे। अच्छा, ब्रेड हम टाइट बनाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट हम यहाँ से, फिर थोड़ा सा अपने क्लाइंट को हमने ऐसे कर दिया। जब यहाँ तक आए ना तो ये चीज़ नहीं बननी चाहिए आपकी, जब ये चीज़ बनती है आपका पफ खराब होने लगता है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ से ब्रेड बहुत फूली भी कर देते हैं, देखो मैं टाइट कर देती हूँ यहाँ का पार्ट ऐसे। अब एक चीज क्या है, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए आपकी, देखो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, आपने इसके साथ रखना है ये पार्ट, यही चीज आपको लास्ट में तंग करेगी फिर ऐसे। थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, यहां से कितना आ रहा है ये देखो बस ऐसे। फिर यहां से पूरा पार्ट लिया ऐसे। अच्छा, बहुत सफाई से आपने टाइट ब्रेड तैयार करनी है ऐसे। अच्छा, इस तरह नहीं करिएगा, यूं यूं करके गंदगी कर देते हैं ना, वो चीज नहीं करिएगा। बहुत सफाई से मैं लास्ट तक ब्रेड तैयार करूंगी और इसको रबर कर दूंगी ऐसे, बहुत ही छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा। अच्छा, ब्लैक मत लीजिएगा, ब्लैक पर ब्लैक तो उससे ये होगा कि आपका, ये देखो अच्छे से लॉक कर दो, आपकी ब्रेड ओपन नहीं होगी। इस तरह का पार्ट मिल गया आपको एक। अब क्या करेंगे, ये चीज थोड़ी सी मिरर में आना, यहाँ से कट कर ऐसे, यहाँ से यूं नहीं कर रही जितना मुझे है नीड है। अब यहीं से मैंने देख लिया इस तरह से चेक करके, ये देखो यही वाला, ये पार्ट इसके अंदर ले जाओ। फिंगर मेरी यहाँ ऐसे और ये अंदर गया ये पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको, ये देखो फेस को फ्रेम करती हुई यूपिन दो बेटा ऐसे, अंदर से मैंने इसको सुई की तरह से प्रोया ऐसे। फिर आती हूँ नीचे की तरफ, दोनों को एक साथ पार्ट को लेती हूँ, और यहां से ये वाली पिन, ये देखो ये पिन आपने इस तरफ से लगानी है अंदर की तरफ, हो गया डन। अब इसको आपने असल में क्या है, आप इसको मिरर में बनाओगे, मिरर में देखकर, तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत आएगा। गोल्डन मोती लेके ऐसे लगा देंगे, इससे फेस फ्रेम होता हुआ आता है। कौन सा सिल्वर दे रहे हो? गोल्डन। मंगनी की ब्राइड पे भी जाएगा, ठीक है।
अगर आपका क्लाइंट ये कह रहा है थोड़ा सा ये वाला पार्ट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये पार्ट ऐसे निकल रहा है, हर क्लाइंट का अलग हेयर होता है, तो आप उसको हाथ से नहीं दबाइएगा, जब हाथ से दबाएंगे तो खराब हो जाएगा। मैं उस इसी पार्ट को ना थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी, देखो जितना मुझे वो कहती है ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ये अपने हिसाब से, और उसी पे मैं स्प्रे कर दूंगी तो ये ब्लॉक हो जाएगा। जो फिंगर से एक वन साइड लोगे पार्ट, वो आपके पफ की सेटिंग करेगा। अब कितने पार्ट पे आपने काम करना है, अगर बहुत बारीक स्ट्रेट नहीं लेके जाना पार्ट, मेजॉरिटी स्ट्रेट ले जाती है, स्ट्रेट ले जाने से क्या है, जैसे पार्ट को सीधा रख दिया तो वो इसमें कर्व नहीं बनता, जब तक कर्व नहीं बनाएंगे आप एक, वो खूबसूरत नहीं आएगा। ये आपका आ गया सिंपल ब्रेड के साथ वन साइडेड, ये डच ब्रेड नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अब हम बनाएंगे डच ब्रेड।